Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sanu Nonstop. This is me guys, we Sanu and you are watching Sanu Nonstop. Guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है इंडियन किड वर्सेस पाकिस्तानी किड्स, माइंड सेट पाकिस्तानी किड्स, ठीक है, पाकिस्तानी किड्स का इंडिया के बारे में क्या माइंड सेट किया गया है, क्या उनको सिखाया गया है कि इंडिया क्या है हमारा. तो ये एक पब्लिक जिसे कहते हैं ना एक्सपेरिमेंट है, आप इसको पब्लिक सर्वे भी बोल सकते हैं. और हमारी आने वाली जो यूथ है, ठीक है, पाकिस्तानी, वो क्या इंडिया के बारे में सोचती है. फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस आप लोग जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं. ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव वे में भी कमेंट आप लोग कर. अच्छा ठीक है, चलो पॉजिटिव छोड़ दो, आपने अपने दिल की बात जो है ना वो लिखनी है, ठीक है, मेरे कहने पे नहीं जाना. पॉजिटिविटी ये वो, आपके दिल में क्या है कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं. फर्स्ट जब पाकिस्तान का नाम आपके सामने लिया जाता है तो आपके माइंड में जो है वो क्या फर्स्ट चीज आती है, आपने कमेंट बॉक्स के अंदर वो लिख देनी है. वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले गाइस अगर आप लोग ने मेरे चैनल पर, अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, पहले फटाफट से जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर दीजिएगा. तो लास्ट वीडियो गाइस, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? बकवास. बकवास क्यों? वो हिंदू है और हमें हिंदू नहीं पसंद. ये क्या बात हुई बेटा, किससे सुना, किसने सिखाया आपको? मेरी मम्मा ने. मम्मा ने सिखाया. मम्मा ने क्या कहा इंडिया के बारे में? कि इंडिया हिंदू है, उनसे मतलब जोड़ी नहीं रखनी चाहिए. इंडिया ये सोचता कि हमने उसके लैंड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन हमने अपनी खुद की कंट्री बनाई है. फौजी. फौजी किसके फौजी, इंडिया के या पाकिस्तान के? इंडिया के. इंडिया के फौजी क्यों आते हैं दिमाग में? क्योंकि जो इंडिया पसंद है. जंग. जंग कौन सी वाली? हमारी तो चार जंगें हुई हैं. नहीं अभी होनी है जो उसकी आती है. अच्छा अभी उम्मीद है कि एक होनी भी है. इंडिया में ये होता है कि जैसे मोमोज इतनी गंदी चीजें होती हैं कि खाने के काबिल ही नहीं होती. आपको किसने बताया ये कि इंडिया में गंदी चीजें होती हैं खाने के काबिल नहीं? तो कभी इंडिया गए हो आप? नो मैं गया था, जाऊंगा भी नहीं. जाओगे भी नहीं? क्या वजह, इतनी नफरत इंडिया के लिए क्यों है? हमारा दुश्मन है. वो कहता है कि मुस्लिम ना रहे और सारे इंडियन बन जाए. अच्छा ये आपको किसने बताया कि इंडिया ये चाहता है कि हम सारे हिंदू बन जाए और मुस्लिम ना रहे? यार मेरी टीचर ने बताया मुझे. इससे कश्मीर को फायदा होगा, कश्मीर में मतलब शहीद कम होंगे लोग. अच्छा हाँ जी. कश्मीर के बारे में कहाँ से सुना, किसने बताया? स्कूल में ही पढ़ा था हमने, SST में. जबरदस्त. अच्छा कश्मीर के बारे में क्या बताया जाता है? यही बताया जाता है कि वहाँ पे मतलब मजलूमों की शहीद हो रहे हैं. हाँ जी. और वहाँ पे उनके पास रहने के लिए घर मतलब कम हो रहे हैं, बहुत सी वहाँ वहाँ पे शहीद हो रही है. तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा. चांद तारों से कहो अभी ठहरे जरा, चांद तारों से कहो कि अभी ठहरे जरा, पहले इश्क लड़ा लो उसके बाद लाऊंगा, पहले इश्क लड़ा लो उसके बाद आऊंगा. नाजरीन आज की वीडियो हमारी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम पाकिस्तान के बच्चों से पूछेंगे कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज उनके दिमाग में क्या आती है, और इन बच्चों को स्कूलों में घरों में इंडिया के बारे में क्या बताया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है. तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के बच्चे इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं और क्या राय रखते हैं. तो आइए चलिए हमारे साथ. क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल हादी है. इर्तिका. हसन. हुसैन. अलियान. अलीजे. अनाया. आयजा खालिद. अहमद. रहीमा उमर. अब्दुल हादी किस क्लास में पढ़ते हो? 5th class. 4th class. मैं 7 हूँ. 5. नर्सरी. अभी 9th के पेपर दिए बोर्ड के. और आप? मैंने भी 7th के पेपर दिए. 2A. 6. 4. 4th class में पढ़ते हो? प्रेप. अच्छा प्रेप में पढ़ते. मैं भी हैरान हूँ इतनी छोटी सी बच्ची 4th class में कैसे चली गई. मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? बकवास. बकवास क्यों? वो हिंदू है और हमें हिंदू नहीं पसंद. ये आपने किससे सुना, किसने सिखाया आपको? मेरी मम्मा ने. मम्मा ने सिखाया. मम्मा कितनी गलत. मम्मा ने क्या कहा इंडिया के बारे में? कि इंडिया हिंदू है, उनसे मतलब जोड़ी नहीं रखनी चाहिए. हिंदू हैं तो क्या नहीं करना चाहिए? जोड़ी नहीं रखनी चाहिए. जोड़ी मतलब दोस्ती. हाँ जी. किसी हिंदू को जानते हो? ना.
तो फिर दोस्ती कैसे हुई किसी के साथ? जानता हूँ, यूट्यूबर्स हैं। अच्छा, हाँ जी। तो कैसे लगते हैं वो आपको? हाँ, कुछ अच्छे होते कोई बुरे होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। स्कूल में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? स्कूल में इंडिया के बारे में कोई नहीं पढ़ाया जाता, कायदे आजम के बारे में पढ़ाया जाता है। नहीं मतलब क्या बताया जाता है, कैसा मुल्क है इंडिया हमारा, हमसाया मुल्क है ना, उसके बारे में कुछ तो पढ़ाया जाता होगा मुतालिया पाकिस्तान में। पढ़ाया जाता है। क्या? के जैसे कि आप लोगों को मतलब एक जैसा दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, और दूसरा ये हमें पढ़ाते भी हैं साथ में इंडिया के बारे में। पंजाब कैडेट स्कूल है, ठीक है, उधर पढ़ाते हैं, तो उधर पाकिस्तान के बारे में, चाइना के बारे में और इंडिया के बारे में सब कुछ बताते हैं। क्या बताते हैं? कि चाइना तो ठीक है, पर इंडिया जो है चाइना के साथ दोस्ती हुआ है, हिंदू होता है, हिंदू जैसा, तो इंडिया में ये होता है कि जैसे इतनी गंदी चीजें होती हैं कि खाने के काबिल ही नहीं होती। आपको किसने बताया ये कि इंडिया में गंदी चीजें होती हैं खाने के काबिल नहीं? तो कभी इंडिया गए हो आप? नो, मैं गया था, जाऊंगा भी नहीं। जाऊंगे भी नहीं, क्या वजह? इतनी नफरत इंडिया के लिए क्यों है? हमारा दुश्मन है। किसने सिखा दिया इतने छोटे से दिमाग में इतनी नफरत, किसने भर दी इंडिया के लिए? टीवी में न्यूज आते हैं ना, उससे सीखता हूँ। टीवी में जो न्यूज आती है उससे सीखते हो? यार ये तो बड़ी गलत बात है, हमारा नेबर कंट्री, और कहते हैं हमसाए तो माँ जाए होते हैं, उनके साथ बना कर रखनी चाहिए ना, अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है, बना लेंगे दोस्ती हम कभी कहते ना। इतनी नेगेटिव सोच के साथ कैसी दोस्ती बनेगी इंडिया के साथ? देखते हैं, अब पता चलेगा। कैसे पता चलेगा जब पेरेंट्स ये बता रहे हैं कि वो अच्छा नहीं है, हिंदू हैं, बकवास कौम है, हमें उनसे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, तो फिर और कौन सिखाएगा? हमें हमारी माँ बाप सबको सिखाएंगे। माँ तो गलत सिखा रही है भाई, सारे ने हमें बड़ा किया है, माँ ने बड़ा किया है, बाप ने बड़ा किया है, वही सिखाएंगे सारा कुछ। अच्छा, इंडियन मूवीज देखते हो? हाँ कभी कभी देखता हूँ। इंडिया बुरा भी लगता है लेकिन उसकी मूवीज भी देखते हो, ये क्या सीन हुआ? अब इंडिया थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ा सा अच्छा लग गया मेरे से बात करने के बाद, मूवीज के मामले में उससे भी ज्यादा अच्छा। ये बताओ, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट? किस चीज का कॉन्फ्लिक्ट? के हम इंडिया ये सोचता कि हमने उसके लैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन हमने अपनी खुद की कंट्री बनाई है। ठीक है, तो इसलिए आपको लगता है कि इंडिया हमसे नाराज है? तो फिर इंडिया को कैसे मनाया जा सकता है? अगर वो हमारे साथ अच्छा करते तो हमें भी उनके साथ अच्छा करना चाहिए। बिल्कुल, आप इंडिया जाना चाहोगी अगर मौका मिले तो? श्योर। कहाँ कहाँ घूमना चाहोगी? जस्ट क्यूट, वहाँ की जो मतलब बहुत स्पेशल जगह होती है वो उधर। इंडियन मूवीज देखती हो? नहीं नहीं देखती। अच्छा मुझे ये बताओ, स्कूल में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है? इंडिया हमारा दोस्त है या फिर दुश्मन? दुश्मन है हमारा, लेकिन हमें उसके साथ दोस्त की तरह रहना चाहिए अगर वो हमारे साथ दोस्त की तरह रहता है। ठीक है, आपको स्कूल में बताया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है। हाँ। क्या दुश्मनी है इंडिया की और हमारी? के वो कहता है कि मुस्लिम ना रहे और सारे इंडियन बन जाए। अच्छा, ये आपको किसने बताया कि इंडिया ये चाहता है कि हम सारे हिंदू बन जाए और मुस्लिम ना रहे? मेरी टीचर ने बताया मुझे। टीचर ने बताया, तो आपने टीचर से पूछा नहीं कि इंडिया ऐसा क्यों चाहेगा कि आपके ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं? Yes. आपने अगली दफा अपनी टीचर से पूछनी है ये बात कि इंडिया ऐसा क्यों चाहेगा क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं। पूछोगे? ओके। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? मोटो व्लॉग, गेमिंग। गेमिंग? क्या वजह? इंडिया बहुत आगे। मोटो व्लॉग क्योंकि मैं बचपन से ही बाइक बहुत पसंद था। अच्छा। इसलिए तो मोटो व्लॉग मैं देखता आ रहा हूँ बचपन से। इंडियंस ही देखते हो? हाँ जी। क्या वजह है, फोकस सारा इंडियंस पे क्यों है? पाकिस्तान के जो हैं वो बहुत बोरी है। अच्छा। और इंडिया के देयर इज नो क्रिएटिविटी इन पाकिस्तान। किसको फॉलो कर रहे हो? आलियान व्लॉग्स। अच्छा, जबरदस्त। और जानू स्टंट्स। क्या जानते हो इनके बारे में, कितना नॉलेज है उनके बारे में? नॉलेज तो मतलब कि है, तो बहुत अच्छे हैं ये लोग, इनके व्लॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं। नहीं, कुछ पॉजिटिव भी बोल रहे हैं। इनकी बाइक्स वगैरह
जबरदस्त। अच्छा, यानी आपको इंडिया की बाइक और पाकिस्तान की बाइक का हम कंपैरिजन करें तो क्या लगता है किस कंट्री की बाइक ज़्यादा अच्छी हैं? बाइक्स दोनों कंट्री की सेम ही हैं, बस जो होते हैं ना व्लॉग्स वो इंटरेस्टेड इंडिया की हैं। सही। आप इंडिया की गेमिंग के बारे में क्या जानते हैं? गेमिंग में ज़्यादा मज़ा आता है। गेमिंग में ज़्यादा मज़ा आता है? बचपन ज़्यादा गेमिंग की तरफ से। कौन सी गेम्स खेलते हो? GTA 5, माइनक्राफ्ट, ऐसी की गेम है बस। ये सारी इंडियन गेम्स हैं? नहीं, दूसरी गेम्स तो हैं, बस गेमिंग जिनको जिनकी देखता ना वो इंडिया की है। क्या वजह है इंडिया की क्यों गेमिंग देखते हो, पाकिस्तान की क्यों नहीं? पाकिस्तान में इतना मज़ा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, पाकिस्तान में कोई है भी नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में नहीं है कोई भी। स्टार इन इंडिया का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? फौजी। किसके फौजी? इंडिया के, पाकिस्तान के? पावरफुल है। इंडिया के। इंडिया के फौजी क्यों आते हैं दिमाग में? क्योंकि जो इंडिया पसंद है। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? जो पाक स्टडीज में पढ़ा था सारा इंपैक्ट ऑफ वॉर और ये सारा कुछ वही याद आ जाता है इंडिया के नाम से, जो लाइक कश्मीर का हुआ था कैप्चर और लाइक जिस तरह कश्मीर ने लाइक अपना आपको महफूज किया था इंडिया से, इस तरह की चीजें लाइक याद आ जाती हैं। किस क्लास में ये पढ़ाया गया? 9th क्लास में पढ़ाया गया था, मगर पहले भी पढ़ाया गया था काफी। और आप क्या कहोगे, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? जंग। कौन सी वाली? हमारी तो चार जंगें हुई हैं। नहीं, अभी होनी है जो उसकी आती है। अच्छा, अभी उम्मीद है कि एक होनी भी है। लाइक ग्रज आता है जाहिर सी बात है, कश्मीर के साथ उन्होंने जो किया और काफी चीजें उन्होंने बुरी की है पाकिस्तान पे, जो हमले वगैरह किए हैं उसका। अच्छा, ये सब आपको कैसे पता चला, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या था? जाहिर सी बात है स्कूल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल में हमें सारा कुछ सिखाया जाता है, बैक हिस्ट्री और सारा कुछ उसका। स्कूल में क्या पढ़ाया गया इंडिया के बारे में? इंडिया के बारे में बुरा ही पढ़ाया गया कि इट्स नॉट अ गुड कंट्री फॉर अस और इसी तरह। आपने क्या पढ़ा अब तक इंडिया के बारे में? हमारे स्कूल में हमारी बुक्स में जो इंडिया के बारे में पढ़ाया जाता है, क्या इम्पेक्ट डाला जा रहा है बच्चों के ऊपर, उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है? आपने भी रिसेंटली पेपर भी दिए और आपने 9th क्लास में जो पढ़ा है थोड़ा सा बताइएगा। लाइक उसमें यही बताया गया है कि लाइक किस तरह जो जो इंडिया थे उन्होंने किस तरह मुसलमानों पर इफेक्ट किया था जब वो इंडिया के साथ रहते थे हिंदू के साथ, और किस तरह जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी आई थी उन्होंने किस तरह लाइक जो इंडियंस थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर किस तरह मुसलमानों के ऊपर इतना इफेक्ट किया था कि मुसलमानों को लगा था कि वो अपनी आइडेंटिटी नहीं रख पाएंगे सब कॉन्टिनेंट में भी, और किस तरह लाइक कितने ज़्यादा इशूज़ भी बने थे जब पाकिस्तान बना था, जिस तरह के वाटर डिस्प्यूट बना था, कश्मीर इशू बना था, इस तरह के बहुत भी इशूज़ बने थे। अच्छा, ये सब तो आपको बताया गया, क्या आपको ये बताया गया कि जो 3 से 4 जंगें हमारी इंडिया के साथ हुई हैं ये जंगें कौन जीता और कौन हारा? नहीं बताया। इंडिया जीता था इसलिए। अच्छा, मुझे बताओ कि आप पर्सनली चाहते हो कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो मैं पर्सनली यही चाहती हूं होने चाहिए और एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट कायम होना चाहिए। सारी सी बात है, होना चाहिए, कंट्रीज को एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, पर आगे उनकी भी है कि वो हमारे साथ अच्छा बिहेव करें, हमारी कश्मीर को आज़ाद करते हैं। ठीक हो गया, आप क्या चाहते हो? मैं तो ये कहूँगी कि लाइक अगर फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो तो होना भी चाहिए, बट लाइक अभी भी अगर पाकिस्तान आया भी है वर्ल्ड मैप में, मगर काफ़ी लोग जो होते हैं लाइक आउट ऑफ कंट्रीज भी, वो पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं मानते, वो कहते हैं कि अभी भी पाकिस्तान जो है वो इंडिया का ही पार्ट है, जो लाइक काफ़ियों पे इफेक्ट भी करता है, मगर चाहिए हमें भी कि हम लोग लाइक एक फ्रेंडली सा लाइक रिलेशनशिप रखें उनके साथ, जो भी लाइक झगड़े वगैरह जो हमारा गर्ज है उनके ऊपर वो भी ख़त्म हो जाए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि दोस्ती होनी चाहिए, दुश्मनियाँ रखने से क्या फ़ायदा। देखो, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हो, पाकिस्तान का फ्यूचर हो, अगर आपके दिमागों में इस तरह स्कूल की जानिब से, एजुकेशन सिस्टम की जानिब से आपके दिमागों में नफरत भरी जाएगी तो ये नेगेटिव माइंड मेरा ख्याल है किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। जी, आप सही कह रही हैं। कभी इंडियन कपड़े या इंडियन फूड पाकिस्तान में ट्राई किया आपने? नहीं, आई डोंट थिंक सो। वेल, जो लाइक इंडियन कुजीन और पाकिस्तान की जो कुजीन है वो थोड़ी सी मिलती जुलती है, तो लाइक बनता भी है कि हमने इंडियन की कुजीन जो है वो हमने ट्राई की नहीं है, जैसा कि लाइक जैसा कभी कभार बटर चिकन भी हो जाती है, बिरयानी भी हो जाती है, ये भी इंडियन कुजीन्स में ही शामिल होती हैं। और लाइक अगर इंडियन ट्रेडिशंस में देखे जाए तो होली भी होती है, और काफ़ी दफ़ा ये भी होता है कि जब स्कूल्स का लास्ट डे होता है, 10th का भी लास्ट डे होता है, तो उसमें काफ़ी लाइक रंग वगैरह खेले जाते हैं, तो वो होली के कॉन्सेप्ट में ही जाता है। सही। तो आपको अच्छा लगता है इंडिया का ये रंगों भरा कल्चर, होली, दिवाली? नहीं, बट लाइक उस वक्त तो लास्ट डे होता है तो किसी को सोचो ही नहीं होता, तो लाइक उस वक्त तो सब कुछ हो जाता है जो होना था। आपके स्कूल में होली सेलिब्रेट की जाती है? नहीं, बट लाइक
कभी कभार होता है कि लाइक जिस तरह जब लास्ट डे होते हैं 10th क्लास के भी, अभी हमारे रिसेंटली जब 10th क्लास का लास्ट डे हुए थे तो वो लोग भी एक दूसरे के ऊपर रंग फेंक रहे थे और एक दूसरे के ऊपर साइन कर रहे थे और इस तरह की चीज़ें भी देखी थी ना, तो उसमें थोड़ा सा लगा था बट लाइक ये भी हो रहा था कि अभी हमारा लास्ट डे भी आएगा तो लाइक कैसा होगा, हमारा कैसा गुजरेगा। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि इंडिया के साथ अभी एक जंग होनी है, तो ये किसने बताया कि इंडिया के साथ एक जंग होनी है? अभी होनी नहीं, जैसे वो बिहेव कर रहे हैं उनके साथ करनी तो बनती है, जाहिर है उन्हें कश्मीर पे जो जुल्म कर रहे हैं और अच्छा। उसका मुसलमान लोग ही हैं वहाँ पर, तो हमें उनको डिफेंड करना। अच्छा, ये बहुत कह रही है कि जंग करनी है, इसको कुछ नहीं पता कि अगर जंग होगी तो जीतेगा भी कौन, ठीक है, हमारे पास इतनी पावर नहीं है, वी आर नॉट इन स्टेट कि हम इंडिया के साथ जंग कर सके, इसको इतना नहीं पता, ठीक है। ऑब्वियसली इंडिया ही जीतेगा क्योंकि इस टाइम पर जंग होगी, खजाने खाली है, हर चीज खाली है, कुछ भी नहीं है, तो कैसे जंग करेंगे इंडिया के साथ? डिफेंड करने में जो 70 साल हो गए हैं इंडिया और पाकिस्तान में, कश्मीर का मसला हल होने का नाम नहीं रहा, 70 सालों से तो जंग नहीं हुई, क्या आपको लगता है कि मसला जंग से ही हल होगा, टेबल टॉक से नहीं हो सकता? अगर वो फ्रेंडली कम्युनिकेट करें हमारे साथ और कश्मीर को छोड़ दें तो क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। अच्छा, आपने कश्मीर लेकर करना क्या, ये तो बताएं पहले। हमने तो कश्मीर लेकर कुछ नहीं करना, वहाँ के जो मुसलमान है उन्होंने वो वहाँ से रहेंगे आराम से। वो कहें कि हम आना ही नहीं चाहते तो फिर क्यों नहीं आना चाहेंगे? क्योंकि वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा सहूलियात मैसर हैं, यहाँ से ज़्यादा वहाँ पे आप कह लें महंगाई कम है, 5G उन्हें मिल रहा है, उन्हें अच्छा खाना पीना मिल रहा है, IT एजुकेशन का निज़ाम मिल रहा है, अमेजोन की फ्लोटिंग सर्विसेज मिल रही हैं, आपको लगता है ये जुल्म है? पर जब नहीं, ये जुल्म क्यों नहीं हो रहा, कुछ एरियाज में जुल्म हो रहा है, जब एक बंदे को अपना लैंड मिलेगा, अपना घर मिलेगा तो वो वहाँ पर क्यों नहीं आना चाहेगा? चीज़ें तो हर जगह से मिल जाती हैं। चीज़ें हर जगह नहीं मिलती, पाकिस्तान में कितनी आपको सस्ती चीज़ें मिलती हैं? सस्ती नहीं मिलती, पर वो बंदे कहे कि उसके पास कितना पैसा और कितना नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में कुछ लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं। मैं इस लड़की की बात से टोटली डिसएग्री। लेकिन कश्मीर पाकिस्तान के साथ आना ही नहीं चाहता, तो आपको लगता है कि उसके साथ जबरदस्ती करनी चाहिए? कश्मीर को पाकिस्तान के साथ आने की जरूरत नहीं है, पर वहाँ पर जो कश्मीर के साथ हो रहा है वो खत्म होना चाहिए। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? रोहित शर्मा, वहाँ पे हिंदू रहते हैं। और आपके दिमाग में क्या आता है इंडिया का नाम सुन के? मुझे नहीं पता, ये भी चले अच्छी बात है। अच्छा, आपके दिमाग में क्या आता है कि वहाँ पे हिंदू रहते हैं? हाँ जी। इस इंडिया के बारे में और क्या जानते हो? वहाँ के क्रिकेटर अच्छे लगते हैं, विराट कोहली। अच्छा, और आपको भी? रोहित शर्मा। यस। पता है कौन है? यस। कौन है? क्रिकेटर है वो, भाई कह रहा पता भी है उसका, अंडर एस्टिमेट ना करें। हाँ जी। अच्छा, आप भी इंडिया के क्रिकेटर फॉलो करते हो? हाँ जी। ठीक है, IPL आजकल चल रहा है, देख रहे हो? हाँ जी, मतलब थोड़ी अपडेट ही बस ले रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, स्कूल में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है कि इंडिया कैसा है? दुश्मन है हमारे, बस यही दुश्मन है, यही ज़्यादातर मतलब होता है पर स्कूल में। तो आपने कभी टीचर से पूछा नहीं कि इंडिया हमारा दुश्मन क्यों है? नहीं, पूछना चाहिए ना। हाँ जी, पूछूंगा। घर में क्या बताया जाता है? घर में तो बस यही कि दोनों मतलब पहले दोस्त थे, मतलब सही आपस में अंग्रेजों के साथ और हमने फाइट की थी, बस सही। अच्छा, आप चाहते हो कि इंडिया के साथ दोस्ती होनी चाहिए? हाँ जी, होनी चाहिए। क्या फ़ायदा होगा अगर इंडिया के साथ हमारी दोस्ती हो जाती है तो? इससे कश्मीर को फ़ायदा होगा, कश्मीर में मतलब शहीद कम होंगे। ये बड़ी अच्छी सोच है इस बच्चे। हाँ, कश्मीर के बारे में कहाँ से सुना, किसने बताया? स्कूल में पढ़ा था हमने, SST में। ज़बरदस्त। अच्छा, कश्मीर के बारे में क्या बताया जाता है? यही बताया जाता है कि वहाँ पे मतलब मजलूमों की शहीद हो रहे हैं। हाँ जी। और वहाँ पे उनके पास रहने के लिए घर मतलब कम हो रहे हैं, बहुत सी वहाँ पे शहीद हो रही है। और हमने कश्मीर को आज़ाद करवा के पाकिस्तान बनाना है इंशाल्लाह। सही हो गया। अच्छा, ये बताओ, इंडियन मूवीज देखते हो? हाँ जी, थोड़ी थोड़ी देखते हो। थोड़ी थोड़ी, कोई एक दो अब जो भी रिसेंटली देखी हो? RRR देखी थी, RRR। हाँ जी, RRR देखी थी। और MS धोनी देखी थी, MS धोनी मूवी देखी थी। कोई गाना सुनाना चाहोगे? यस, सुना दो। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। चांद तारों से कहो अभी ठहरे जरा, चांद तारों से कहो कि अभी ठहरे जरा, पहले इश्क लड़ा लो उसके बाद लाऊंगा, पहले इश्क लड़ा लो उसके बाद लाऊंगा। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा,
सोलह सत्रह सितारे संग बांध लाऊंगा। बहुत अच्छी, बहुत फैंटास्टिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। मुझे पहले क्यों नहीं ये आप लोगों ने सजेस्ट की। और यार इतना पॉइजन भरा जा रहा है पाकिस्तानी बच्चों के दिमाग के अंदर, ठीक है, ना ही सिर्फ स्कूल्स के अंदर बल्कि मैं देख रही थी घर के अंदर भी उसकी माँ बच्चे को ये टीच कर रही है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। यहाँ से जो है वो फिर दुश्मनी का जो बीज है ना बच्चों के दिमाग में बो दिया जाता है, ठीक है, चाइल्डहुड से ही उनके, और फिर उसके बाद बड़े होकर भी वो वही चीज जो है वो चलती रहती है। और फिर एक ही दिमाग में होता है इंडिया दुश्मन है। यार क्यों दुश्मन है, कोई दुश्मन नहीं है, सब दोस्त हैं, ठीक है, सब अच्छे से रह रहे हैं, आप लोग भी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो भी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है। मैं तो यही चाहती हूँ री यूनियन हो जाए, ठीक है, लड़ाई झगड़े खत्म। ये सारी आप लोगों शायद ये नहीं समझेंगे कि सारी जो चाल है ना इंडिया पाकिस्तान को अलग करने की या उनके अंदर नफरतें पैदा करने की, ये सारा अगर जो है वो अच्छे से पार्टीशन हो जाती, अंग्रेजों ने तब पार्टीशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पार्टीशन अच्छे से कर देती, तो आज ये सारे दिन ना देखने पड़ते। कश्मीर एक खिलौना पकड़ा दिया, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान को, दो बच्चे हैं ना तो एक खिलौना उनको दे दिया, अब वो अपनी तरफ से खींच रहा है कि मेरा खिलौना है, वो अपनी तरफ खींच रहा है कि मेरा खिलौना है। अब क्या है कि बच्चों का नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान खिलौने का हो रहा है, और कश्मीर का इस टाइम नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। वो चाहते उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट तो इस चीज को यूं चुटकियों में सुलझा सकते, अभी भी सुलझा सकते, लेकिन नहीं, वो नहीं सुलझा रहे, बिकॉज वो एक चीज जो है वो ये चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में ये कंफ्लिक्ट हमेशा रहे, इसलिए वो चीज को सॉर्ट आउट नहीं होने दे रहे। गाइस आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर दीजिएगा। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।